बिना वाल्व बदले किशोरी के हृदय में ट्यूमर का किया ऑपरेशन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने फिरोजाबाद निवासी 17 वर्षीय किशोरी के हृदय में ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है और वो भी बिना वाल्व को बदले। ऑपरेशन के बाद सभा की हालत अब सामान्य है। कठिन सर्जरी करने वाली टीम को कुलपति ने बधाई दी है। इस सर्जरी का खर्च समाज सेवी और पूर्व विधायक जफर आलम ने उठाया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। मेडिकल कॉलेज के कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर आजम हसीन के नेतृत्व में डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह व डॉक्टर मयंक यादव ने ऑपरेशन किया। टीम में डॉक्टर साबिर अली खान, डॉक्टर नदीम रजा, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर लक्ष्य भी शामिल थे। डॉक्टर आजम हसीन ने बताया कि फिरोजाबाद की रहने वाली 17 वर्षीय सभा को सांस लेने में कठिनाई होती थी, वह अक्सर बेहोश हो जाती थी। प्रारंभिक जांच में हृदय संबंधी समस्या का पता चला। सभी प्रकार की जांच के बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी का विकल्प चुना। इस सर्जरी में हृदय में मौजूद ट्यूमर का ऑपरेशन भी किया गया, वही वाल्व बिना बदले, जो कि एक असाधारण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब सभा की स्थिति सामान्य है। प्रोफेसर तारिक मंसूर, कुलपति AMU ने कहा कि डॉक्टर आजम हसीन की टीम को बधाई देता हूँ। JN मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक पूरी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। ये असामान्य ऑपरेशन उनकी कमरता का उदाहरण है। प्रोफेसर साहिद अली सिद्दीकी, जो कि प्रिंसिपल हैं JN मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा कि कॉलेज के कार्डियक सर्जरी विभाग के अंतर्गत 3 वर्षों में 400 से अधिक शल्य कार्य सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक कई जटिल शल्य कार्य अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से कई मामले दूसरे अस्पतालों द्वारा रेफर किए गए थे। अब नहीं कोई मजबूरी है, शिक्षा सुधार जरूरी है। नई सरकार बनाएंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा में सुधार और रोजगार। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। 129 महनार विधानसभा से रालोसपा उम्मीदवार त्रिवेणी कुमार चौधरी को पंखे पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए।